जिस जनता के लिए उन्होंने बेटे भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई खूंखार अपराधी भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने देश को नंबर एक बनाने का संकल्प लिया, उसने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम किया। केजरीवाल जी ने बच्चों को शानदार सरकारी स्कूल दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, केजरीवाल जी ने महिलाओं को फ्री बस सेवा दी, एक भाई की तरह उनके लिए हर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि देने का बजट पास किया। बस यही तो कसूर है ना अरविंद केजरीवाल जी का, इसीलिए तो तानाशाह मोदी अरविंद केजरीवाल को उनके परिवार से फेस टू फेस मिलने भी नहीं दे रहा है। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों को अरविंद केजरीवाल से मिलने से रोका जा रहा है। इसीलिए तो जेल में अरविंद केजरीवाल पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। तानाशाह मोदी आज अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहा है। आज तानाशाह मोदी के पास सत्ता की ताकत है, एक खूंखार अपराधी को भी अपने परिवार और अपने वकील से फेस टू फेस मिलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को तानाशाह मोदी फेस टू फेस मिलने नहीं दे रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात एक शीशे के आर पार बैठाकर केजरीवाल जी से ऐसे कराई गई जैसे 2 चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कोई 2 बड़े आतंकवादी मिल रहे हों। आखिर अरविंद केजरीवाल से इतना खौफ, इतना डर क्यों? तानाशाह मोदी, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, अरविंद केजरीवाल इस देश को तुम्हारी तानाशाही से मुक्त करा कर रहेंगे। देश के करोड़ों लोगों की दुआएं अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। जो जुल्म, जो यातनाएं तुम अरविंद केजरीवाल जी को जेल में दे रहे हो, इस जेल का जवाब जनता अपने वोट से देगी। जेल का जवाब वोट से।